ज़्यादा पास पास तो नहीं लग रहे ना, ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं, लड़ाई चल रही है हमारी। फिर दुर्गेश बोलेगा मेरा लोगो। दुर्गेश ऐसे आएगा पीछे से, हम लोगों की सीट ऐसे कोई खींच रहा होगा पीछे से। फन होने वाला है। रेडी टू मिंगल इज अ शो अबाउट अ रिलेशनशिप। ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप के शुरू की चीज़ों के बारे में उतना नहीं है जितना बाद की चीज़ों के बारे में है। जब रिलेशनशिप एक जगह पे पहुंच जाती है और फिर उसका क्या होने वाला है, क्या होगा वाले स्टेज में पहुंच जाती है, तो उसके बारे में। बट स्टिल आई थिंक एवरीबडी इज़ मेड श्योर फ्रॉम द राइटिंग टू द परफॉर्मेंस डायरेक्शन म्यूजिक की वो एक फिर भी एक फन वॉच है। इट शुड नॉट, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा इंटेंस है। इंटेंस चीज़ें एक्टर्स हो, शो के अंदर इंटेंस चीज़ें हो रही हैं, लेकिन देखने का एक्सपीरियंस इंटेंस नहीं होगा। आई थिंक देखने में आपको मज़ा आएगा टू सी द जर्नी एंड हाउ दीज टू कैरेक्टर्स नीरव एंड मायरा वो लोग जिस किस तरीके से डील कर रहे हैं। कभी कभी अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, कभी कभी गलत स्टूपिड डिसीजंस भी ले रहे हैं। तो आई थिंक वो मज़ा है दो लोगों को देखने का कि वो किस तरह से इन चीज़ों से डील कर रहे हैं। ओके, और आपका कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत आज का शो है और बहुत मज़ेदार शो है और करने में बहुत मज़ा आया है। काफ़ी इंटेंस रही है इसकी शूटिंग एक्चुअली, लेकिन यू नो मैं एटलीस्ट ये कह सकती हूँ कि यू नो द डायरेक्टर हैज़ बीन वेरी स्पेसिफिक अबाउट यू नो कि सीन्स को, मतलब उनने बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है। एंड आई थिंक थैंकफुली आई पेड अप विद अमोल एंड मेरा एक ट्रस्ट लेवल अमोल के साथ बहुत गहरा है। एंड यू नो आई अंडरस्टैंड द वे ही वर्क्स एंड ही अंडरस्टैंड द वे आई वर्क एंड आई थिंक यू नो उसकी वजह से हमारे सीन्स बहुत अच्छे निकले हैं एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कह रहे हैं बट इन अ वेरी लाइट वे। दैट्स व्हाई व्हेन ही सेड कि मज़ा आएगा आपको देखने में, तो एक ऐसी कम्युनिकेशन शुरू हो रही है शो के थ्रू जो आई थिंक आज की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी एड्रेसिंग दोज काइंड ऑफ इशूज़ एंड नॉट बींग यू नो बस उन चीज़ों को दबा के मत रखिए। मतलब आप ओपनली इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो इस शो के जरिए आई थिंक हमने भी देखा है कि यू नो बहुत रिलेटेबल चीज़ें हैं। आई मीन जो सीन्स हो रहे हैं समटाइम्स हम लोग उस सिचुएशन में रह चुके हैं अपने पार्टनर्स के साथ, यू नो, सो वी ब्रिंग अ लॉट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। सो देर लॉट्स ऑफ टाइम्स की हम लोग डिस्कस करते हैं, अरे यार इस सिचुएशन में तो मैंने ऐसे किया था, बट जब मैं ऐसी सिचुएशन में थी तो मैंने ऐसे किया था। सो आई थिंक देयर इज अ रिलेटेबिलिटी फैक्टर व्हिच इज वेरी हाई इन द शो। ओके, जब रोल आपको जब यही वाला जैसे कि हमने देखा ट्रेलर में आप लव गुरु बने हुए हैं आप दोनों, उसमें तो क्या रिएक्शन क्या था, मतलब क्या किए, मतलब अलग ही तरीके का एकदम से रोल ऑफर हो गया है उसके बारे में कहता आपका? मैंने तो बहुत मैच मेकिंग की है बट मैंने कॉलेज के टाइम पे बहुत की है एंड मेरी काफ़ी फ्रेंड्स मेरे साथ यू नो जो पढ़ती थी वो अपने काफ़ी बॉयफ्रेंड्स को मुझसे इंट्रोड्यूस कराती थी क्योंकि उनको लगता था कि मेरी ओपिनियंस बहुत वैल्यूबल है। सो यू नो समवेयर आई थॉट आई सॉ लॉट ऑफ माई सेल्फ इन मायरा एंड बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही यू नो वो डिसऑर्गेनाइज नहीं है एंड शी इज़ वेरी लाइक शी नोज व्हाट शी वांट्स एंड शी लाइक गोज आफ्टर इट एंड वो मुझे लगता है बहुत आज की लड़की है क्योंकि आज की लड़कियाँ बहुत स्ट्रांग होती हैं एंड दे डोंट जस्ट लेट एनी थिंग कम इन बिटवीन वट दे हैव डिसाइडेड कि उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए एंड दे लिव देयर लाइफ इन देयर ओन टर्म्स एंड दैट्स द वे शी इज़। तो आई थिंक मे बी ऐसा है कि ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि लव गुरु होने के बारे में शो है। लव गुरु होने के बारे में शो नहीं है, लव गुरु इज वॉट दे डू, मतलब ये उनका प्रोफेशन है। इट्स लाइक कि दो लोगों की कहानी है, वो दोनों डॉक्टर्स है, ये वैसी चीज़ है। बट कहानी डॉक्टर होने के बारे में नहीं है, कहानी उन दो लोगों के बारे में है। तो लव गुरु इज जस्ट द प्रोफेशन, इज वॉट दे डू। रेडी टू मिंगल इज देयर कंपनी दैट दे स्टार्ट एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज रेडी टू मिंगल, जहाँ पे वो लोगों को मिलाते हैं और उनके बीच में मैच मेकिंग करते हैं एंड दे ट्राई टू मेक कंपैटिबल कपल्स, विच इज़ मायरा स्किल कि वो समझ में आता है कौन किसके साथ कंपैटिबल होगा, और शायद नीरव का स्किल ये है कि वो फिर उस चीज़ को फैसिलिटेट करता है, वो मूड बनाता है कि हाँ अभी इन दो लोगों को कैसे कैसे मिलाना है, क्या करवाना है, कैसे पार्टी का क्या थीम रखना है। तो वो है, वो लव गुरु होना उनका एक फैक्ट है, लेकिन जो शो है वो उनके लव गुरु होने के बारे में नहीं है। वो इस बारे में है कि ये जो दो लव गुरुज़ हैं, ये इनका लव कहाँ है, इनका लव किस स्टेज पे है, उसमें क्या क्या खिचड़ियाँ पक रही हैं, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, अच्छा बुरा, प्यार भी है, लड़ाइयाँ भी हैं। तो वो आई थिंक उस डाइकोटमी के बारे में है कि शायद बाहर ये लोग दिखा रहे हैं कि सब बढ़िया है, लेकिन अंदर क्या है। लव जो एक रियल चीज़ होती है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, वो इतना ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा सब पिक्चर परफेक्ट है, फूल बरस रहे हैं छत पे से, पंखे के ऊपर फूल रखे, ऐसा नहीं होता है। तो उसी सच्चाई के बारे में है, बट अगेन लाइक वी हैव बीन सेइंग कि वो चाहे सच्चाई थोड़ी कड़वी है बट उसको बहुत ही ऐसा
फन तरीके से दिखाया गया है, फन तरीके से दिखाने की कोशिश है, फन तरीके से उन कैरेक्टर्स को प्ले करने की कोशिश है। ओके, अगर क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार ये कहानी को बारे में सुना? तो एक वेब सीरीज बनाते हैं। हाँ, तो ये मैंने सुना था इस बारे में कि इस तरह की वेब सीरीज होगी। मैंने एक वन लाइन सुना था कि जो लोग जो जिनकी इमेज बहुत स्ट्रांग है लव को लेके, और जो ऐसा परफेक्ट कपल हैशटैग कपल गोल्स वाले उनके आते हैं सोशल मीडिया पे, बट उनके खुद के फंडे थोड़े गोल है, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। ऑब्वियसली अब उस चीज़ की कहानी क्या होगी ये भी आप जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको 10 एपिसोड का शो बनाना है तो आप ऐसा नहीं है कि अच्छा आपने बोल दिया ऐसा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है लेकिन क्या होगा फिर। तो इवेंचुअली जब मैंने धीरे धीरे कहानी सुनी जो डेवलप हुई, स्क्रिप्ट पढ़ी, तो आई सॉ दैट इस चीज़ को काफ़ी इंटरेस्टिंगली ले आउट किया गया, और कैरेक्टर्स भी हैं इन दोनों को लोग को छोड़ के, दोनों के लाइफ में एक एक और कैरेक्टर आ जाता है जो शायद कॉम्प्लिकेशंस में और ऐड करता है। मायरा हैज़ एन एक्स बॉयफ्रेंड जो सडनली आ गया है लाइफ में, उसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, एंड नीरव मीट्स अ न्यू गर्ल जो उसको इंटरेस्टिंग लग रही है। ऐसा नहीं है कि वो लोग अफेयर कर ले रहे हैं जाके, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन का लेवल और ऐड हो जाता है इन दो लोगों के आ जाने से, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा डावाडोल चल रहा है मामला। तो इन और फिर उन चारों की जर्नी है, ये कैसे आप खुद भी गिल्ट भी फील होता है आपको कि यार मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, सही तो नहीं कर रहा हूँ, अरे मैंने हाथ पकड़ा ये हुआ, तो ये और इस तरह के सवाल मैंने रेडिट आई रियलाइज की, तो हम आजकल काफ़ी डेली बेसिस पे आप ये प्रॉब्लम सुनते लोगों की, यार मेरे साथ ये हो गया, मैं पार्टी में गया वहाँ पे ऐसा कुछ हो गया, उसका मैंने उसको यार नंबर एक्सचेंज कर लिया, उसका रात को मैसेज आ गया, मैं क्या करूँ। तो अब ये इसमें ऐसा कुछ किसी ने कुछ क्राइम नहीं किया, अब आपने किया, बट लेकिन ये फीलिंग्स सडनली लोग को नहीं समझ में आता कि कैसे डील करूँ, यार मैं बताऊँ अपनी गर्लफ्रेंड को कि नहीं बताऊँ, मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं है। तो यही है एग्जैक्टली, यही इमोशंस हैं, इसी तरह की चीज़ें हैं, इसी तरह की इवेंट्स हैं जो इन लोगों के साथ होते हैं, और शायद कई बार और सीरियस होते हैं, फिर वो उससे निकलने की कोशिश करते हैं, फिर फंसते हैं। सो जो जर्नी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो मुझे लगा कि रेपिटेटिव नहीं है, क्योंकि इसमें वो डर है कि वो रेपिटेटिव हो सकती है, कि आप सेम ही चीज़ को बोलते जाओगे, अच्छा परफेक्ट कपल है अंदर गड़बड़ है परफेक्ट। सो आई लाइक दैट अबाउट द स्टोरी, एंड विच इज़ वॉट गॉट मी एक्साइटेड, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट दीज आर फन कैरेक्टर्स टू प्ले, नीरव इज अ फन गाय टू प्ले, आई हैड अ लॉट ऑफ फन। नीरव आई थिंक मैं अपने दोस्तों को बोला था कि शायद इस कहानी को लेके और इस कैरेक्टर को लेके मैंने लाइफ में अगर जितना काम किया सबसे कम स्ट्रेस मैंने इस कैरेक्टर को लेके लिया, बिकॉज आई रियलाइज कि ये वही है, नीरव वही है जो स्ट्रेस नहीं लेगा। अगर मैं स्ट्रेस ले लगूँगा कि नीरव क्या है, नीरव ऐसा है, तो शायद वो दिखेगा, वो कैलकुलेशन दिखेगा, बट क्योंकि नीरव खुद अपने आप में बहुत फ्री फ्लोइंग है, खुद अपने आप में वो मस्त रहता है, तो आई रियलाइज कि दैट इज़ मे बी द की टू इट। आई होप दैट इवेंचुअली शोज ऑन स्क्रीन कि लोगों को ऐसा नहीं लगेगा इसने कुछ सोचा, दिमाग ही नहीं लगाया ऐसे कर दिया, बट आई थिंक सीन्स करते हुए मुझे लगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है। तो ये वैसे लोग नहीं हैं जिनके बारे में आपको जाके रिसर्च करनी पड़ेगी, या जिनके बारे में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, या आप मूवीज़ देखोगे, क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल लोग हैं, ये मैं हूँ, मेरा दोस्त है, मायरा है, के जो इमोशंस हैं, जो पर्सनालिटीज़ हैं, सब हमारे आसपास के लोग हैं। तो द कैरेक्टर्स कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड या आउट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरेक्टर्स नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी लोग हैं, जस्ट द सिचुएशन इज़ अ लिटिल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, जो जिस स्टेज पे जहाँ पे हैं, जहाँ से शुरू होता है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो वो सिचुएशन वो राइटिंग में है। सो आई थिंक एज अ कैरेक्टर मुझे नहीं लगा कि यार कुछ मेथड एक्टिंग करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, मेथड एक्टिंग करता तो वही पार्टी दो, पार्टी करो, वही मेथड एक्टिंग। ओके आना, आपने क्या क्या तैयारी करी इस कैरेक्टर के लिए? एज अ मोल सेड कि ये लोग हमारे आजू बाजू ही हैं, तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हम लोग ने किया है शायद, यू नो दैट वी हैव डन इज रेफरेंसिंग, कि हम लोग ने रेफरेंस उठाए हैं कि हमारे कोई दोस्त ऐसे हैं, इस सिचुएशन में जब मेरे साथ कभी ऐसा हुआ था लाइफ में तो मैंने कैसे बिहेव किया था, तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। एंड जो सीन्स भी लिखे गए हैं दे हैव बीन वेरी रिलेटेबल, और कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी सीन्स नहीं है, यू नो ये सीन्स और ये चीज़ें हमारी, ये इंसिडेंसेस हमारी लाइफ में हुए हैं, तो आई थिंक इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट यू गो बैक टू अ मेमोरी, यू गो बैक टू अ स्पेस, या आप अपने किसी फ्रेंड की ऐसी मेमोरी उठाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे साथ या इनके साथ या शायद इसके साथ ऐसा हुआ था, सो वॉट इज़ इट दैट आई कैन टेक फ्रॉम दैट, यू नो, इमोशनल मेमोरी, एंड आई कैन पुट इन टू दिस सीन, एंड आई थिंक दैट्स द वे वी प्लेड आउट मोस्ट ऑफ आर सीन्स। एंड द गुड थिंग इज कि हमारे डायरेक्टर, यू नो, हम लोग सीन से पहले लाइक द थ्री ऑफ अस वी सिट एंड वी डिस्कस अबाउट हाउ वी वुड टेक अ सर्टन सीन और हाउ वी वुड, यू नो, प्ले इट आउट, एंड
आई थिंक द थ्री ऑफ अस आर मोस्ट आई थिंक एट मोस्ट टाइम्स वी आर ऑन द सेम पेज यू नो देयर इज एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आई थिंक दोज आर एड्रेस्ड बट एट मोस्ट टाइम्स आई वुड से लाइक वी आर ऑल ऑन द सेम पेज एंड वी ऑल नो कि ऐसा हम सबके साथ हुआ है सो आई थिंक इट्स अ वेरी रिलेटेबल शो एंड ऑल विल रियली एंजॉय वॉचिंग इट ओके अगर आपके किरदार की बात करी जाए और आहना की अगर बात करी जाए तो आहना मायरा से कितना मैच करती है एक्चुअली काफ़ी आई थिंक 80% तो मैच करती है एक्सेप्ट फॉर द पार्ट वेयर आई एम अ लिटिल क्रेजी बट शी इज़ नॉट शी इज़ वेरी कंट्रोल्ड बट मेरे अंदर है वो थोड़ा पागलपन बट यू नो आई थिंक मायरा इज अ वेरी कंट्रोल्ड पर्सन की मतलब द वर्स्ट सिचुएशंस में ऑल्सो आई थिंक शी विल बी द वन हु विल बी टेकिंग द मोस्ट प्रैक्टिकल डिसीजंस एंड वो इम्प्रैक्टिकल नहीं है बंदी एंड शी इज रियली अ टुडेज गर्ल एंड शी नोज व्हाट शी वांट्स एंड शी रियली लाइक टेक्स अ प्रॉब्लम्स हेड ऑन एंड वो भागने की कोशिश नहीं करती सिचुएशन से शी रियली ट्राइज टू कम्युनिकेट अ प्रॉब्लम एंड अगर वो मैंने मतलब काफ़ी बार ऐसा है कि लाइक यू नो नीरव का कैरेक्टर ऐसा कि वो मतलब सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेगा बट शी विल नॉट शी यू नो टॉक अबाउट इट सो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट इवन आई लाइक टू डू आई लाइक टू एड्रेस एन इशू जो सामने है इशू उसको एड्रेस करो एज अपोज टू रनिंग अवे फ्रॉम इट सो I think I see a lot of myself in her. Okay, Neera, okay. Nice, I like that already. Already, लोग नीरव बोल रहे हैं अच्छी अच्छा साइन है. Okay, अभी कुनाल बाबा से. मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ यार. वो नीरव थोड़ा काफ़ी चिल्ड आउट आदमी है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता है मैं कभी कभी स्ट्रेस नहीं लेता हूँ तो वही है कि वो आई थिंक मोस्टली डिफरेंट एक्टर्स आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्किंग डिफरेंट मेथड्स मेरा वही है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने अंदर ही कहीं ढूंढना पड़ता है और मोस्टली आज तक तो स्पेशली थैंकफुली ऐसा हुआ है कि मिल गया है कहीं ना कहीं अंदर जाके तो नीरव वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड नीरव इज़ देयर नीरव इज़ अ साइड ऑफ मी विच इज़ देयर एट टाइम्स जो आजकल शायद मेरी जैसी पर्सनैलिटी है वो नीरव से बहुत दूर नहीं है नीरव शायद थोड़ा सा ज़्यादा और मस्ती खो रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा कम सीरियसली लेता है और चीज़ों को जिसकी वजह से मतलब वो बहुत सीरियस सिचुएशन में भी सही सीरियसली नहीं ले पाता है उसका एक ये प्रॉब्लम है कि जब उसको दिख रहा है कि सामने वाला बहुत सीरियस है तब भी वो थोड़ा सा उसको लग रहा है कि यार यार निकलो क्या हम बहस क्यों कर रहे हैं लड़ाई क्यों कर रहे हैं सो देयर इज़ अ सर्टन एस्केपिज्म टू नीरव विच अगेन इज़ अ वेरी रिलेटेबल थिंग आई हैव सीन दैट इन मी आई हैव सीन दैट इन लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स कि क्योंकि वो लोग उनका फिलोसफी है कि यार स्ट्रेस मत लो तो जैसे ही स्ट्रेस आता है वो नहीं चाहते वो वैसा आग बंद कर लेते हैं कि स्ट्रेस नहीं है तो नीरव वो है और ये गलतियाँ नहीं बट इस तरह की चीज़ें मैंने भी की हैं कि आँख बंद कर लोगे तो प्रॉब्लम चली जाएगी तो वो इनोसेंट भी है अपने आप में एक नाइविटी है उसकी होपफुली दैट मेक्स हिम लाइकेबल ऑल्सो दिस इज वॉट मायरा ऑल्सो लाइक्स अबाउट हिम ही लाइक्स अबाउट मायरा कि मायरा टेक्स चार्ज तो चलो हमारी टीम अच्छी है बट इवेंचुअली वो टीम अच्छी है पर टीम डायनामिक्स कैसा होगा उसके बारे में जैसे कि अभी आपने कहा कि आजकल की रिलेशनशिप के ऊपर आपके व्यूज क्या हैं जिस तरीके से आपने कहा कि आज की रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ एक हैशटैग के ऊपर ही रह गया है एक सोशल गोल्स तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आपके व्यूज क्या हैं मुझे बस लगता है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया गिव्स यू अ स्लाइटली अनरियलिस्टिक गोल समटाइम्स बिकॉज़ वो एक कोट्स में पीछे पेड़ों की फोटो लगा के लिखने में बहुत ईजी होता है बट रियल लाइफ इज स्लाइटली डिफरेंट तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस लोगों की काफ़ी बढ़ जाती हैं कि आपके साथ कुछ बहुत ही परफेक्ट चीज़ होने वाली है जो नहीं हो रही आपके साथ तो आप डिसअपॉइंटेड फील करते हो एंड आई सीन दैट अ लॉट अराउंड मी सो माय ओनली ओपिनियन ऑन दैट इज़ कि यार शायद नहीं है हो सकता है किसी का हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं हो तो इट इज़ अबाउट फाइंडिंग वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड देन वर्किंग ऑन इट आई बिलीव दैट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहती हूँ लाइफ एक मीम नहीं है एंड आई थिंक समवेयर वी हैव कंफ्यूज्ड आवर लाइव्स विद मीम्स एंड यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया क्योंकि आप लोग देखते हैं कि लोग किस तरह बहुत फैशनेबल हो गए हैं अपनी लाइफ में यू नो हॉलीडेज पे जा रहे हैं कितनी एक्साइटिंग हो गई है सबकी लाइफ यू नो मेरी लाइफ की उतनी ख़राब है सो आई थिंक समवेयर दैट कंपैरिजन इज़ इनएविटेबल बट आई थिंक कीपिंग योर सेल्फ अ लिटिल सेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको थोड़ा उससे हट के थोड़ा सोचना पड़ेगा अपनी लाइफ के बारे में लाइफ इज़ नॉट एज फ्लोरल एज इट सीम्स टू बी या जो इंस्टाग्राम पे दिखती है या जो यू नो फेसबुक पे दिखती है इट्स नॉट लाइक दैट एंड सबके अपने हार्डशिप्स हैं सबकी अपनी स्ट्रगल्स हैं एंड आई थिंक द सूनर वी अंडरस्टैंड दैट एंड द सूनर वी स्टॉप कंपेयरिंग आर लाइव्स टू अदर पीपल्स लाइव्स द हैप्पियर वी विल बी ओके इसी के साथ में आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आने वाला है प्रियंका गांधी जो प्ले करने वाली है उसके बारे में कुछ बताइए कैसा क्या होने वाला है इसमें जब फिल्म रिलीज होगी तब उसके बारे में बात करेंगे अभी तो बहुत दूर है अभी तो दिल्ली दूर है चलिए ऑलराइट लास्ट वीक क्या कहना चाहेंगे रेडी टू मिंगल बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है बहुत ही आज का शो है और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कह रहा है और बहुत लाइट टेक है उस पर बट आई थिंक इट विल मेक यू समवेयर थिंक अबाउट इट एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई
यू नो दैट दैट इज़ गोइंग टू कम थ्रू विद द शो. हम लोगों ने बहुत प्यार से बनाया है, हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया ये शो, एंड आई थिंक समवेयर इस शो ने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, यू नो रिलेशनशिप को किस किस तरह मैं देखती हूँ और किस तरह से मैं देखती आई हूँ. एंड आई थिंक देयर इज अ रिलेटेबल फैक्टर इन द शो व्हिच आई थिंक यू ऑल विल रियली लाइक, इट विल बी एंड्यूरिंग. आना ने शो के बारे में बता दिया, मैं बता देता हूँ कि 11 अगस्त को आ रहा है, सैटरडे है, 7:30 PM जूम टीवी पे और जूम के ऑनलाइन पोर्टल्स पे भी आएगा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे. तो सैटरडे को आप टीवी पे देख सकते हैं, सैटरडे के बाद आप ऑनलाइन देख सकते हैं, फिर सैटरडे अगले सैटरडे को सेकंड एपिसोड आएगा और ऐसे हर सैटरडे को और एपिसोड आएंगे. 10 एपिसोड हैं टोटल, तो आप देखते रह सकते हैं, आपको एक बार देख सकते हैं, आप चार चार बार भी देख सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो कॉमेंट कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो बंद कर सकते हैं. तो होपफुली अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें तो अच्छा लग रहा है काम करते हुए, एंड मोस्टली इट ट्रांसलेट्स, सो दैट इज द होप. प्लीज वॉच द शो एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज टेल योर फ्रेंड्स इफ दे आर सिंगल एंड रेडी टू मिंगल. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.